उज्जैन जिले में प्रथम चरण के मतदान के बाद 1 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें वार्ड क्रमांक 5 आगर रोड रूपा खेड़ी में जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार शिवानी कुंवर अमरपुरा है। वह बेहतर शिक्षित है और बेहतर तरीके जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है और उसके ससुर महेंद्र सिंह सोलंकी अमरपुरा पहले 2 बार पूर्व सरपंच रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर रहकर जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सभी आदमी बोल रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अकेले की ताकत नहीं कि मैं चुनाव लड़ सकूँ। हर व्यक्ति अब मेरे साथ चुनाव लड़ रहा है। हर आदमी ये बोल रहा है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये चुनाव मेरा है और मैं लड़ रहा हूँ। अपने लिए रात दिन अपन सेवा में खड़े रहते हैं, उसका परिणाम है लोगों के बीच। मैं किसान आदमी हूँ और किसान की समस्या किसान ही जान सकता है कि आज की तारीख क्या है। किसान हर अपना नेतृत्व हर जगह बिठाना चाहता है किसान, क्योंकि किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए किसान सब मेरे साथ है, सब मेरे भाई बहन बंधु सब मेरे साथ है। इसलिए हर आदमी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाह रहा है। जय हिंद, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया माध्यम से आप सभी लोगों तक आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि जो हमारा ये भतीजा है, मैं इनको क्या बचपन से ही जानता हूँ कि इनका कैसा व्यवहार है। इनके पिताजी सरपंच रहे, फिर इनका छोटा भाई सरपंच रहा, अभी वर्तमान में ये खुद इस पंचायत से सरपंच भी है। और लोगों का इनका इतना प्रेम है इनके साथ में कि मैं इनके साथ घुमाऊँ यहाँ से कालूवाड़ा से लगाकर बिछोड़ अमरपुरा तक, सारे लोगों की एक ही आवाज़ आ रही कि आपसे अच्छा परिवार, आपसे अच्छे कोई कैंडिडेट हमारा नहीं है। इसलिए सब लोग अभी से इनको जीत का साफा बांधकर बधाई दे रहे हैं कि आप तो जीत गए, आप तो भल घर बैठो तो भी चुनाव जीत जाओगे। ऐसी लोगों के मन में से आवाज़ आ रही है। तो मैं सभी लोगों का इस क्षेत्र के इस वार्ड 5 नंबर वार्ड के समस्त मतदाताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपकी तरफ से कि आपको इतना चुनाव से पहले किसी कैंडिडेट का ऐसा साफा बांधकर स्वागत नहीं हुआ होगा जिनका इन कैंडिडेटों का हुआ। मैं करीब 50 गाँव में इनके साथ घुमा हूँ। सारे लोगों ने पहले से ही इनको बधाई दे दी कि आपको कोई हरा ही नहीं सकता, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। आप दोनों पार्टियों को छोड़ करके एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अभी चुनाव में और यूँ बीजेपी के अच्छे मतदाता सारे इनके साथ में हैं, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं टिकट की गलती हो गई, इसलिए इनके साथ में सारे लोगों ने पार्टी छोड़कर इनका समर्थन दिया है और पार्टी के साथ ये खड़े रहेंगे, इनका ये कहना भी है। मैं सबसे आप सभी मीडिया के सारे हमारे साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा एक ही बात का कि आप ये आवाज़ दिल्ली तक पहुँचेगी और आप सब किसान भाइयों का भी मन से स्वागत होगा। किसान की आवाज़ ये पूरी दिल्ली तक पहुँचाएंगे, यही कहना चाहूँगा। जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।